तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल लाल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। दोस्तों आज हम बना रहे हैं जी चैनल पर चलने वाला स्लाइडिंग डोर। तो ये देख सकते हैं हमने कौन सा सेक्शन इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं ये सेक्शन दिखा देता हूँ, ये हमारा 43 mm x 43 mm का सेक्शन है जिसको हम पौने दो भी बोलते हैं। तो इसमें दिखाएंगे किस तरीके से इसकी जो मार्किंग की जाती है और किस तरीके से डोर को जोड़ा जाता है और व्हील किस तरीके से लगाए जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से मार्किंग की जाती है 4529 जो सेक्शन होता है जिसका मैं कोड बता रहा हूँ 4529, जिसे हम 3.25 भी बोलते हैं, 81 mm भी सेक्शन बोलते हैं। तो उसकी मार्किंग जब हम करते हैं तो किस तरीके से करते हैं दोस्तों, पूरा प्रोसेस दिखाएंगे इस वीडियो में आपको किस तरीके से स्लाइडिंग पर चलने वाले डोर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मिडल के लिए हम निशान लगा रहे हैं, ये बीच का हिस्सा है जिस पर हम निशान लगा रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा 3.25 का सेक्शन है जिसमें 4531 जिसके बारे में बता रहा था, हमने इसकी मेजरमेंट कर ली है। और इसमें हम क्या करेंगे, जब हम इसको फिक्स करेंगे तो एक तरफ एंगल लगाएंगे, जैसा कि अभी हम निशान पर देख सकते हैं जिस पर हम अभी होल कर रहे हैं, इधर की तरफ हम एंगल लगाएंगे। और इसमें फाइल लगाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारा डोर की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आए, फाइल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब हम नट बोल्ट वाली एंगल लगा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं उसको किस तरीके से लगाया जाता है। दोस्तों नट बोल्ट लगाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं अगर हम डोर में इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हम इस डोर को जो कि हम स्लाइडिंग का डोर बना रहे हैं, तो उस डोर को जोड़ने के लिए मैं आपको सबसे पहले डोर का साइज बता देता हूँ। ये हमारा जो डोर है 4x7 का ये डोर है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसको जोड़ने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा डोर है, चौड़ा डोर है, तो इसमें हम एंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंगल में नट बोल्ट लगा देते हैं, और नट बोल्ट लगाने के बाद जब इसकी काफ़ी ज़्यादा मजबूती बन जाती है, अगर हम इस तरीके का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मजबूती हमारे डोर्स में आ जाती है और उसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैं इसका साइज बता देता हूं आपको, ये हमारा होता है 6mm x 38mm के, ये हमारे नट बोल्ट होते हैं। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसी तरीके का इस्तेमाल करें, काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है ये। दोस्तों देख सकते हैं अभी हम एंगल लगा रहे हैं, और जो नट बोल्ट वाला जो हमारा एरिया होता है, मैं उस जिधर हमारे नट बोल्ट लगते हैं वो इधर लगते हैं, ये जो साइड है इस पे सीधे स्क्रू लग जाते हैं, और इधर की तरफ जो होता है हमारा नट बोल्ट काम करते हैं। नट बोल्ट के साथ साथ उसमें हमारा क्या होता है कि स्क्रू भी लग जाते हैं। नीचे से हम क्या करते हैं, नट बोल्ट लगा देते हैं, यानी कि इस तरीके से ये एंगल हमारा लग जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से एंगल हमारा लग जाता है। अभी हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, कभी भी आप एंगल लगाएं तो ये जो एंगल होता है इसका जो साइज होता है वो 38mm होता है, यानी कि लगभग 1.5 इंची का एंगल हमें काटना चाहिए अगर हम 43mm के सेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। दोस्तों ये हमारा मिडल का हिस्सा है जिसमें हम बीच का जो हिस्सा होता है जिसको हम मेंबर बोलते हैं, तो उसके लिए हम एंगल लगा रहे हैं बीच में, जो हमारा मिडल लगेगा जिसे मेंबर बोला जाता है उसमें हम एंगल लगा रहे हैं। इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों एंगल हमारी लग चुकी है, ये देख सकते हैं आप, हमने जो कि बॉटम ये दिखा देते हैं, और ये इधर का हिस्सा भी आपको दिखा देते हैं मिडल का, और इधर की तरफ हमारी एंगल बाकी रह गई जिसको हम लगा रहे हैं। अब इसके बाद हम आपको दिखाएंगे नट बोल्ट किस तरीके से लगाए जाते हैं, और व्हील जो कि मैं व्हील दिखा देना चाहता हूँ, ये हमारे देख सकते हैं ये रेड डेकोर के व्हील हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड डेकोर है, और इसमें पीवीसी का इस्तेमाल किया गया है। पीवीसी के बेनिफिट बताऊंगा, इससे क्या बेनिफिट होता है, और प्योर मेटल के व्हील्स के भी बताऊंगा जिनमें प्योर मेटल बैरिंग्स लगे होते हैं, उनके क्या डिसएडवांटेज होता है उसका भी मैं बताऊंगा। देखिए क्या होता है कि जो प्योर जो हमारे लोहे के बैरिंग्स होते हैं, प्योर मेटल के जो बैरिंग्स होते हैं, वो क्या करते हैं जी चैनल पर चलते समय काफ़ी ज़्यादा साउंड उनसे आता है और जी चैनल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। कुछ दिन बाद उनमें क्या होता है कि जी चैनल कट जाती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और साउंड भी काफ़ी ज़्यादा आने लगता है। इस रोलर्स के मैं फ़ायदे बताऊंगा, इससे क्या होता है कि हमारा साउंड भी बहुत कम आता है और जी चैनल पर भी किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो काफ़ी अच्छा ये व्हील्स है, रेड डक और कंपनी का है, तो इन व्हील का इस्तेमाल करेंगे तो साउंड आपका बिल्कुल भी चैनल में नहीं आएगा, जब आप पल्ले चलाएंगे किसी भी तरीके कोई साउंड इसमें नहीं आएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों व्हील लगाते समय आपको क्या करना है कि ये जो हमारा निशान है 2.25 इंची, तो
तो इसे थोड़ा सा इधर की तरफ लगाना है, क्योंकि उधर की तरफ हमारी एंगल होती है, तो हमें 2.25 इंची का गैप रखना होता है, यानी कि इतना हमें एरिया छोड़ने के बाद आप निशान देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, तो इस निशान के इधर हमें एंगल सॉरी व्हील लगाने होते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं व्हील को किस तरीके से लगाया जाता है, हमने इसका पूरा प्रोसेस आपको दिखाया है, तो देख सकते हैं जी चैनल के जो व्हील्स होते हैं उसको किस तरीके से लगाया जाता है। व्हील लगाएंगे, इधर का भी दिखा देते हैं हम आपको किस तरीके से निशान लगाते हैं। जैसा कि हमने एक तरफ तो व्हील लगा दिया है, मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं, और इधर की तरफ हम व्हील लगाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं इसको कसने के लिए जो हम नट बोल्ट का जो हिस्सा यहाँ पर लगाते हैं उस पर किस तरीके से निशान लगाते हैं, ये देख सकते हैं, हमने निशान लगा दिया है। अब हम इसमें होल कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा 1.5 का बिट होता है उससे हम होल कर लेंगे, यानी कि 3/16 का जो बिट होता है उससे होल कर लेंगे। उससे होल करने के बाद फिर बड़े बिट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बड़े बिट से होल करेंगे तो हमारे बिट रपट जाते हैं और उससे नुकसान होने का बहुत खतरा बना रहता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस ये जो नट बोल्ट हैं इनके जो निशान किस तरीके से लगाए जाते हैं, इसकी मार्किंग जो है किस तरीके से की जाती है, आप देख सकते हैं इधर मार्किंग हो चुकी है। हम नंबर डाल देते हैं ताकि हम पहचान सकें कि ये जो हिस्सा है ये किधर का है, तो बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए पलटने के बाद हम दूसरे हिस्से पर निशान लगा लेते हैं, ये देख सकते हैं ये 2 नंबर हो गया, 1 नंबर हमारा जो पहला हिस्सा था, ये देख सकते हैं ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, तो हमने निशान लगा लिए हैं, तो डोर हम अब कंप्लीट ही हमारा होने वाला है। दोस्तों ये हमारे नट बोल्ट के लिए हम होल कर लेते हैं जिससे हम अपने डोर को कस सकें, तो इसके लिए होल कर रहे हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं अब हम डोर को फिक्स कर रहे हैं, यानी कि हम डोर को जो हम एंगल में कस रहे हैं, यानी कि ये मिडल है और आप देख सकते हैं हमारा जो बॉटम का हिस्सा है हमने लगा दिया है और ये जो हमारा मिडल है, अब हमारा जो लास्ट हिस्सा बताया जो ऊपर का हिस्सा है, दोस्तों देख सकते हैं ये अब हमारा लास्ट हिस्सा है जो कि हमारा ऊपर का हिस्सा है जो कि जी चैनल जिस पर लगेगी, व्हील भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये हमने डंडा कस लिया है। अब जो हम नट बोल्ट जो हमने इसमें लगाए हैं वो बाद में जब हम इसमें स्क्रू लगा लेंगे, स्क्रू लगाने के बाद हम लास्ट का जो प्रोसेस है उसमें नट बोल्ट लगा लेंगे। तो देखिए नट बोल्ट यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, मैं इधर से दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं एंगल में स्क्रू लगा लेते हैं, बाद में क्या करते हैं उनमें जो ये देख सकते हैं, मैं इधर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ।
कुछ देख सकते हैं, हमने इसमें नट बोल्ट लगा दिया है, इसको कस भी दिया है और ये हमारा डोर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। किसी भी तरीके के इसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये डंडा बिल्कुल भी इसका नहीं हिलेगा। ये इधर से मैं दिखा देना चाहता हूँ, इधर हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा उधर का नट बोल्ट जो कि हमारा जी चैनल का हिस्सा है उसका नट बोल्ट बाकी रह गया है। तो दोस्तों डोर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसी तरीके से डोर को बनाया जाता है। तो दोस्तों जी चैनल के जो रोलर्स होते हैं वो किस तरीके से लगाए जाते हैं हमने आपको दिखाए, और जी चैनल तो आप सब लगा ही लेंगे, बहुत आसान चीज़ होती है वो। तो डोर हमने बना दिया है, इसमें दिखाया हमने कि किस तरीके से जी चैनल के व्हील लगाए जाते हैं, किस तरीके से नट बोल्ट हम लगाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।